शुक्रवार को सिविल लाइन स्थित अम्बेडकर पार्क में विश्व विकलांग दिवस के शुभ अवसर पर दिव्यांगों के लिए निम्न प्रतियोगिता कराई गई, जिसमें ट्राई साइकिल दौड़ कराई गई। प्रथम अमर सिंह कश्यप, सेकंड मुकेश राजपूत, थर्ड वसीम, उसके बाद बैसाखी दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें प्रथम धर्मपाल, सेकंड स्थान पर आकिब, तीसरे स्थान पर सरताज रहे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में वेद प्रकाश सागर, नजमा परवीन, मुमताज आलम मौजूद रहे। दिव्यांग आर्मी के तत्वावधान में किया गया कार्यक्रम की अध्यक्षता दिव्यांग आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष सहीम बेग द्वारा की गई। कार्यक्रम का संचालन प्रदेश महामंत्री सन्नू खान ने किया। इस मौके पर मुशाहिद अमर सिंह पाल, अनिल कुमार, नासिर हुसैन, मोहम्मद तस्लीम, सलमान, मोहम्मद अकील, नीलम, रिजवाना, नफीसा, अनिशा, चमन सिंह यादव, कमल सिंह, अमर सिंह कश्यप, शाने अहमद, मोहम्मद हसन आदि ने भाग लिया। भाई आज क्या कार्यक्रम हुआ था और क्या संदेश दिया था? आज विश्व विकलांग दिवस के उपलक्ष्य में दिव्यांग आर्मी संगठन द्वारा विश्व विकलांग दिवस अम्बेडकर पार्क सिविल लाइन मुरादाबादी मनाया गया, जिसमें कि दिव्यांग साथियों के हमारे साइकिल दौड़, बैसाखी दौड़ और अन्य प्रतियोगिताएँ कराई। लगभग कितने थे सर? काफ़ी सारे दिव्यांग हमारे यहाँ पर मौजूद थे। क्या आपका संदेश है इस चीज़ का? ये हमारे समाज की ये संदेश है कि ये दिव्यांग जो है हमारा हर साल मनाया जाता है, जो जागरूकता जो है दिव्यांगों को खेले और वो जो है लोगों को पता चले कि दिव्यांग जो है वो दिखाने की चीज़ नहीं है, उनमें बहुत सारी प्रतिभा है, उनमें हिम्मत है। बस ये हमारा उद्देश्य है कि समाज की स्थिति जो है बेहतर है, लोगों की सोच बदले।